अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कासिम अली शाह। आप मेरी वीडियोज़, किताबों, ब्लॉग्स और टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए मुझे जानते होंगे। एक ऐसे लड़के की कहानी जो आगाज़ करता है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से, उसके पास बच्चे मैथ और फिज़िक्स की ट्यूशन पढ़ने आते हैं, वो कॉपी पे पेपर्स, कार्बन पेपर लगा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। तीन चीज़ें होती हैं उसके पास। पहली चीज़, बड़े ख्वाब देखना, ख्वाब बड़े देख रहा होता है। दूसरी चीज़, मेहनत करने का जज्बा, वो हद दर्जे का मेहनती इंसान होता है। तीसरी चीज़, डिटर्मिनेशन, इस्तकामत होती है। वो ये तीनों चीज़ों को पकड़ता है, ट्यूशन पढ़ाने से आगाज़ करता है और आने वाले दिनों में वो एज ट्रेनर के तौर पे, स्पीकर के तौर पे पाकिस्तान के हर उम्र, हर तबके तक पहुंच जाता है। ये स्टोरी किसी और की नहीं, ये मेरी अपनी स्टोरी है। आगाज़ ट्यूशन से हमने किया और वीडियोज़, चीज़ें, मैसेज इस वक्त सात बरे आज़म जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ तक पहुँच गया। दोस्तों, मैं पिछले दो तीन सालों से मीडिया पर भी नज़र आने लग पड़ा। मैंने कई चैनल्स के साथ काम किया, कई चैनल्स मुझे एज गेस्ट बुलाते रहते हैं। ये सारी कहानी, आखिर ऐसा क्या था इस सारी स्टोरी में, इस सारी मेहनत में, कि कुदरत ने ट्यूशन से शुरू करने से यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज मुझे गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। ट्रांसमिशन्स भी मैंने किए हैं, टीवी प्रोग्राम्स भी मैंने किए हैं और टीवी को हमेशा मैं अपने इंतखाब पर रखता हूँ कि जब दिल करता है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, जब दिल करता है मैं छोड़ देता हूँ। एक ऐसा वक्त भी था जब मैं क्यू में लगा होता था और चैनल्स के बाहर वेट करता था, प्रोड्यूसर्स के कमरों के बाहर भी वेट करता था कि मेरी बारी आ जाए और मुझे कोई प्रोग्राम मिल जाए। ये सारी स्टोरी, इसमें सीक्रेट्स क्या है, कैसे किया, क्या ख़ास बात है, कैसे करना था, कैसे नहीं किया, कैसे करना चाहिए था, ये सारी कहानी हमने एक कोर्स में डिस्क्लोज करनी है और उस कोर्स का नाम एंकर्स और आरजेस की ट्रेनिंग का कोर्स है। ये कोर्स हम 12, 13, 14 अक्टूबर को करवा रहे हैं। इसमें हम आठ लोग हैं, आठ ट्रेनर्स हैं जो बात करेंगे। सबके सब अपनी फील्ड्स की अथॉरिटी समझे जाते हैं। कोई बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट है, कोई कंटेंट बनाने का एक्सपर्ट है, कोई बताएगा कि प्रोड्यूसर की सांग से देख रहा होता है, पब्लिक क्या देखना चाहती है, सुनना क्या चाहते हैं, कैसे पॉजिटिव मीडिया अपना रोल प्ले कर सकता है। मेन थीम ये भी है हमारा। तो ये एंकर्स और आरजेस का जो कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। यू आर वेलकम, मेरी आपसे मुलाकात होगी। हमारे इस कोर्स का मकसद अर्निंग नहीं है। कासिम अली शाह फाउंडेशन एक नो प्रॉफिट नो लॉस एक ऐसा इदारा है जो एनपीयू है, यानी हम 3 डेज में आप फूड भी दे रहे हैं, बुक्स भी दे रहे हैं, मटेरियल भी दे रहे हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी दे रहे हैं, ट्रेनर्स और कोच भी दे रहे हैं और 3 डेज के फूड्स के चार्जेस आपसे सिर्फ चार्ज कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद फैसिलिटेट करना है, सोसाइटी को अच्छे लोग देना है हर फील्ड के। आज हम शायद एंकर्स और आरजेस का कोर्स कर रहे हैं, कमिंग डेज में मुमकिन है हम डॉक्टर्स के लिए को वर्कशॉप दें, कमिंग डेज में मुमकिन है हम वकीलों के लिए एक अच्छी सी वर्कशॉप दें, कमिंग डेज में मुमकिन है कि हम बाकी प्रोफेशंस के लिए भी इस तरह के कोर्सेज को लॉन्च करें। सो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू।